गाइस यहां से आगे हमारे पास बलेड़ो पंजाब में आता भाई साडा पराठा भी तो आ रहा है भाजी आ रहा है शाम जलंधर सुबह दिल्ली चक दे फटे नब दे गिली गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग तो घूम लिया भाई, आगे का कुछ डिसाइडेड नहीं है अभी, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे फिलहाल, होटल हमारे अंदर उसको चेकआउट करेंगे, फिर आगे हमें कुछ काम है थोड़ा वहाँ पे जलंधर में, तो फिर जलंधर के लिए निकलेंगे, तो मिलते हैं आपसे सीधे रास्ते में। गाइस अभी अमृतसर को छोड़ रहे हैं और निकल रहे हैं जलंधर के लिए, जलंधर में हमारा कुछ पर्सनल काम है फिर वहाँ के लिए निकल रहे हैं, और बाय बाय अमृतसर। तो गाइस यहां से आगे हमारे पास बलेड़ो पंजाब में आते हैं, हमारे पीछे आगे गड्डी, तो गड्डी पे पानी वानी मरवाते हैं फिर यहां से निकलते हैं। तो मैं मार दे पानी थल्ले साडे ऊपर भी पानी गिरा दे ओए। तो ये थोड़ा गाड़ी हम यहां से रिसीव कर लिए हैं और फिर गाड़ी से चलते हैं आगे, हमारा जितना भी रोड ट्रिप होगा सब गाड़ी के ऊपर बलेरो से ही होने वाला है। तो पंजाब में आया फिर पंजाब तक तो फिर फिलहाल हम निकले वहाँ जलंधर पहुँचे, जलंधर से गाड़ी हमने रिसीव किया और जलंधर से निकले हैं गाइस, और अभी पहुँचे हैं मतलब करनाल से 25-30 किलोमीटर दूर है, यहाँ थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा हाथ पैर सीधा करेंगे, बहुत टाइम से ऐसा कंटिन्यू राइड कर रहे थे हम लोग, इसलिए मैं मतलब तब से कुछ ऐसा शॉर्ट वॉट ज़्यादा लिया नहीं, थोड़ा यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा मजा वजा करते हैं फिर यहाँ से वापस निकलते हैं और स्टे करेंगे पानीपत या फिर करनाल कहीं जैसा होगा अपडेट करेंगे आपको। थोड़ा सा भाई फॉग वॉक जमने लगा था हमारे, तो हमारे जो साथी हैं देखिए बिल्कुल साफ़ सफाई कर रहे हैं ताकि चलाने में इनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अब ड्राइव यही करने वाले हैं, तो ये साफ़ सफाई कर रहे हैं और ये महाराज मस्ती कर रहे हैं अपना, और हम बैठ के भाई पानी वानी पी रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे कुछ खाने का नहीं है तो खाना हम लोग जाके करनाल या खाने का है, लेकिन हम लोग खाएंगे पानीपत या हरियाणा में ही खाएंगे, फिर पानी पीते हैं। क्या हो गया, क्या चेक कर रहे हैं? तो गाइज अभी करनाल के पास पानीपत के थोड़ा सा पहले पहुंचे हैं, तो यहाँ थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं और फिर होटल में चेक इन करते हैं, मतलब थोड़ा थक गए हैं, टाइम हो गया है लगभग 10:30, तो बस थोड़ा दूर और यहाँ से बस थोड़ा चाय वाय पी के फिर यहाँ से निकलते हैं, तो क्योंकि जो गाड़ी मेरे पास जो गाड़ी चला रहे थे उनको नींद आने लगा थोड़ा, तो बस थोड़ा उनको चाय वाय पिला देते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल आ चुके हैं हम लोग पानीपत, यहीं स्टे करने का प्लान है, इधर ही लगाइए साइड में, तो गाड़ी ही लगाते हैं, पता करते हैं आसपास में कौन सा होटल है, कहाँ खाली वगैरह कुछ मिल रहा है कि नहीं, तो जैसा होता है चलते हैं अंदर। गाइस तो अभी हम पानीपत में होटल में स्टे कर रहे हैं और मुझसे मिलने के लिए दोस्त आया है दिल्ली से, बहुत दूर से, फिर आपको रात के 2 बज रहे हैं, चलते हैं उससे मिलते हैं और शो करते हैं आपको बेस्ट फ्रेंड है। भैया यहाँ पे भाई होटल वगैरह बंद हो जाता है, मतलब पानीपत में भाई
अच्छा सीन नहीं बिल्कुल, मतलब होटल से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला यार। फाइनली जिसका इंतजार था वो आ चुका है भाई अपना। तो गाइस आ चुका है मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड, अब रात भर साथ रहेंगे, सुबह मिलते हैं। तो गाइस पानीपत से निकल चुके हैं हम लोग आगे के सफर में और देखते हैं कहाँ जाते हैं। हमारा जो रोड ट्रिप रहेगा बिहार का, अमृतसर टू बिहार। तो अमृतसर से पहले गए जलंधर, जलंधर से मिल गई गाड़ी, गाड़ी से फिर हम लोग जलंधर से निकले रात को। फिर वहाँ से 300 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद पहुँचे पटियाला। रात को दिल्ली जाने का प्लान था लेकिन हो नहीं पाया, तो फिर पटियाला से अभी अभी निकल रहे हैं अपन लोग और आगे चेकिंग चल रही, दिखाते हैं आपको। एम्बुलेंस एम्बुलेंस वगैरह कुछ हुआ है कुछ लोचा, तो ये है हमारा पानीपत टू दिल्ली वाला। मेरा दोस्त है वो इतना मस्त आदमी है कि मेरे से मिलने रात में पानी दिल्ली से पानीपत आ गया। ऐसा होना चाहिए इंसान, ऐसी बात कर रहे हैं भाई, दोस्त है तो दोस्त है, अब वही बात है। तो गाइस आ चुके हैं दिल्ली वाले बाईपास से गुजरे और इस जगह पे ना आए तो सब कुछ अधूरा है। तो आ चुके हैं उस जगह पे, तो ये है हमारा मूरथल आमिर सुखदेव। यहाँ मैं बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ, लगभग 4-5 साल के बाद आ रहा हूँ, एक आध बार पहले आया हूँ। आ चुके हैं गाइस हम लोग मूरथल। आप मूरथल फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना? हाँ। तो हम यहाँ पहले आए हैं, आपको यहाँ का स्पेशल दिखाते हैं। यहाँ पे पूरे दिल्ली से हर जगह से लोग यहाँ आते हैं खाने के लिए, तो आपको कुछ यहाँ स्पेशल इन्वायरमेंट तो देखने को मिली था कि तब क्राउड यहाँ पे भाई क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ का खाना टेस्ट करते हैं, हम तो टेस्ट कर चुके हैं, इनको कराते हैं कुंदन जी को खाना टेस्ट और चलते हैं आगे। कल पहुंच चुके हैं, देखते हैं कैसा है, मतलब पहले भी आए हैं तो यहाँ का कुछ खाना वगैरह ट्राई करेंगे, सब कोई बैठे हैं साथ में। तो ये दिल्ली से आया था लौंडा हमसे मिलने के लिए, जिगरी भाई है मेरा। तो अब ऑर्डर वगैरह करते हैं, देख खाते हैं, स्पेशल तो मेन पराठा ही है यहाँ का, पराठा खाएंगे बताते हैं फिर। सो गाइस अभी हम लोग सब मूरथल में बैठे हुए हैं और हम लोग रात में बैठे हुए थे अपना जालंधर में, तो वही बात है कि शाम जलंधर सुबह दिल्ली चक दे फटे नफ दे गिली। बहुत पराठा ट्राई किया इसलिए अब इनका पराठे से मन भर गया, तो ये ट्राई करेंगे छोला भटूरा। ये थाली का वेट है, थाली इन्होंने ऑर्डर कर रखी है, अभी पराठे का वेट कर रहे हैं। थाली तो आ चुकी है, पराठे का वेट कर रहे हैं, आ जाएगी जल्दी, आ जाएगी, वेट करो थोड़ा सा। वेटिंग ब्रो, वेटिंग, ऑर्डर कर चुके हैं ऑलरेडी। कुंदन पाजी कैसे है भटूरे यहाँ के? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सो कोई बताना चाहेंगे, कुछ रिव्यू देना चाहेंगे, आउट ऑफ 5 कितना देना चाहेंगे इसको? 5 में 5 देना चाहेंगे, 4.5 भी नहीं? साडा पराठा कहते हैं भाई, साडा पराठा भी तो आ रहा है पाजी, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। पराठा भी चखेगा पाजी, पराठा यहाँ का बहुत मतलब फेमस पराठा है यहाँ का। छोले भटूरे भी मैं आपको देख के मुंह में मेरे पानी आ रहा है वैसे। फिर मिलेंगे। Finally guys आ गया है हमारा परांठा आ गया भाई, परांठा। Guys पराठा आ चुका है हमारा, so एक बार आप इसका देखिए, मक्खन वाला है, बहुत मक्खन से लवरेज, दे दबा के मक्खन, खाओ मक्खन, बॉडी बनाओ, कट कर दो। चलो टेस्ट करके बताते कैसा लग रहा है। ओके गाइस आ गया साना भाई, कौन सा वेनिला इसमें? ये वेनिला ऐसा, ये किटकैट है, दोनों चीज है ये अपना, ये किटकैट है। आ गया भाई अपना साडा किटकैट, आ गया किटकैट, इसी तो बहुत बार ट्राई करा था तो नहीं भैया हो गया, थैंक यू। वैसे तो बहुत बार ट्राई करा था तो इस बार यहाँ का सोचा एक बार शेक वगैरह ट्राई करता हूँ, तो शेक भी यहाँ का ऑसम, आमिर सुखदेव इज बेस्ट।
हेलो हेलो, रास्ता क्लियर करो, रास्ता क्लियर करो। ये है भाई ताजमहल। आ चुके हैं मथुरा की गलियों में। ये